करहल की लड़ाई दो यादवों पर आई, अखिलेश की बड़ी मुश्किलें, करहल विधानसभा सीट पर होगी कड़ी टक्कर। आखिर कौन है डॉक्टर अनुजेश यादव और धर्मेंद्र से क्या है इनका वास्ता? अखिलेश ने बनाया नया प्लान, करहल किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं योगी। करहल विधानसभा सीट अब दिलचस्प विधानसभा सीट हो गई है, जहां एक तरफ करहल में भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में आते ही अब होगा फूफा और भतीजे में लड़ाई। एक तरफ जहां करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ माने जाने वाली सीट है, यहां से पहली बार विधायक बने थे अखिलेश यादव। इस बार अखिलेश यादव ने यहाँ से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अब तक करहल की विधानसभा सीट पर जहां यादव बाहुल्य सीट माना जाता है, अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, वहां से सिर्फ एक बार 2002 में भाजपा जनता पार्टी चुनाव जीती थी और उस पर भी यादव का जो उम्मीदवार यादव था इसलिए जीत गए थे। यही दाव और यही पैतरा इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ चलने का प्लान था भारतीय जनता पार्टी का। और ये जो पूरा उपचुनाव है ये अखिलेश वर्सेस योगी माना जा रहा है, और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं करहल विधानसभा सीट हर हाल में सेंध लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से डॉक्टर अनुजेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि मुलायम सिंह यादव की जो है पौत्री रही हैं संध्या यादव उनकी, और धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है, और अनुजेश यादव जो हैं धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। अब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और सैफई परिवार में अब क्या सेंध लग पाएगी, आइए समझते हैं पूरा गणित करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट जो है वो पूरा यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सैफई परिवार यानी मुलायम परिवार का पूरा बोलबाला रहता है, और ये सीट मुलायम परिवार की अखिलेश यादव की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाने वाली सीट है। यहाँ से उन्होंने तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा। तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारने के बाद ये चर्चाएं तेज हुई थी, हालांकि विनय विवादिया इस बारे में आपको एक हफ्ता पहले आप चैनल में पुराना वीडियो करहल विधानसभा सीट की जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि प्रबल दावेदारी है यहाँ पर डॉक्टर अनुजेश यादव की है। अब आइए जानते हैं डॉक्टर अनुजेश यादव का क्या रहा है अभी तक का चुनावी राजनीतिक सफ़र जो है 2015 से 2020 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं इनकी पत्नी संध्या यादव उर्फ बेबी यादव, और उसी दौरान ये भी फिरोजाबाद से यह जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं अनुजेश यादव भी। तो कहीं ना कहीं अनुजेश यादव को मोहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार करहल को फतेह करना चाहती है। लेकिन चूंकि जो यादव समाज के लोग हैं, जो यादव बिरादरी है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये लगातार अभी भी सिर्फ एक पार्टी को पसंद कर रहे हैं, वो है समाजवादी पार्टी। अगर एक मुश्त वोट पड़ता है बीजेपी के खिलाफ, ये बोलकर यादव समाज और मुस्लिम समाज वोट करते हैं एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को, तब तो डॉक्टर अनुजेश यादव इनका जो प्लान है वो फेल है। लेकिन अगर अनुजेश यादव यादव समाज में सेंध लगा लेते हैं, अगर यादव समाज में डॉक्टर अनुजेश यादव सेंध लगा लेते हैं, तब तो कहीं ना कहीं जो करहल की विधानसभा सीट है वो एक बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आ सकती है। हालांकि पिछले 4 बार से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है। फिलहाल करहल की सीट को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, उस पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है। जहां एक तरफ अभी तक समाजवादी पार्टी से कुल मिलाकर 6 लोग जो हैं, 6 सदस्य ऐसे हैं जो सदन में जाते हैं, और अब अगर इस बार तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव मैदान को जीत जाते हैं तो 7वें पर्सन होंगे मुलायम यादव के परिवार से जो सदन में जाएंगे। अभी तक वर्तमान में 6 लोग ऐसे हैं जो सदन में बैठते हैं, जिसमें एक राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव भी हैं। अब ये 7वें परिवार के सदस्य होंगे जो सदन में जाएंगे। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा करहल विधानसभा सीट
अब दिलचस्प हो गई है। करैल समेत सभी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की खबरों के लिए, विवरण के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।